हेलो एंड वेलकम अगेन टू गुड फॉर्म चैनल। आशा करती हूँ आप सभी हैप्पी हैं, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं और आज के वीडियो में कुछ खास है जो आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है आपकी कंडीशन को समझने में। इससे आपको पता चलेगा कि नवे महीने में आपकी डिलीवरी किस तरीके से हो सकती है, क्या चांसेस हो सकते हैं डिलीवरी के। लेकिन नवे महीने में अपने डॉक्टर से हर हफ्ते 10 दिन में कंसल्ट जरूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी दवाओं को बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि इस समय बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो इस समय वॉलनट्स खाना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, खुश रहना आपके बच्चे के लिए ज़िंदगी भर के लिए खूबसूरत तोहफा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, नवे महीने में कौन से लक्षण बताएंगे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, उसके फेयर चांसेस हैं। तो जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है, डिलीवरी की जो आपकी डेट दी हुई है उससे 20-25 दिन पहले ही आपको थोड़ा बहुत पेट में दर्द रह सकता है। पेट में दर्द कहाँ रहेगा? पेट में दर्द नीचे की तरफ हो सकता है, ये आपको 15-20 दिन पहले भी स्टार्ट हो सकता है और ये पूरे टाइम नहीं रहेगा। कभी पीठ में दर्द होगा, कभी पेट के निचले हिस्सों में दर्द होगा, कभी मसल क्रैम्प होगा थाइस का और पैरों का, और ये होगा और चला जाएगा। ये इसलिए कि जब बच्चा फुल टर्म हो जाता है, उसका वेट आपके पैरों पर जाता है, नर्व्स पर पड़ता है, में दबाव आता है तो खून का प्रवाह रुकता है, तो इससे मसल्स में क्रैम्प हो जाता है। इसके अलावा डिलीवरी से हफ्ते 10 दिन पहले भी बच्चा हेड डाउन कर लेता है, एंगेज हो जाता है, पेल्विक कैविटी में एंगेज होता है। तो ऐसे कंडीशन में नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, महिलाएं चल फिर नहीं पाती, तो ये लक्षण जो है क्लियरली बताता है कि बच्चा एंगेज हो चुका है। और इसके बाद अगर आपको दर्द बना रहता है, हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो समझिए कि डिलीवरी कुछ दिनों में संभव है। तो अपने डॉक्टर से टच में रहें, उनसे कंसल्ट करते रहें और अपनी कंडीशंस को उनको कन्वे करते रहें। डिलीवरी से हफ्ते 10 दिन पहले सर्विक्स सॉफ्ट होने लगती है और उसमें धीरे धीरे डायलेशन आता है डिलीवरी से कुछ समय पूर्व, जो लेबर का प्रोसेस चालू होता है उस दौरान। तो सर्विक्स जब सॉफ्ट होने लगती है तो म्यूकस का डिस्चार्ज आपको आता है। जब आपको म्यूकस का डिस्चार्ज बढ़ जाए नवे महीने में, तो समझिए कि बॉडी अपने आप को तैयार कर रही है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। कई बार ये बहुत ज़्यादा एक साथ म्यूकस दिखेगा, कभी उसमें स्पॉट्स भी हो सकते हैं, तो इससे ना घबराएं, ये कॉमन है। एंड द थर्ड वन, कि कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको यूरिन नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल यूरिन जैसा पानी पूरी तरीके से निकल रहा है शरीर से, और ये जो वाटर डिस्चार्ज है, वाटर ब्रेक कहते हैं इसको, यानी कि बच्चा जिस पानी की थैली में वो फट चुकी है और कुछ घंटों के अंदर, मतलब जल्दी से जल्दी ही डिलीवरी कराने की जरूरत होती है और ऐसे समय में तुरंत आपको हॉस्पिटल अप्रोच करना चाहिए। तो ये कुछ लक्षण हैं जो नवे महीने में अगर आपको दिखाई पड़ते हैं, मालूम चलते हैं, तो आपको इस तरीके से एक्शन लेना है और अपना ख्याल रखना है ताकि आपकी डिलीवरी सुरक्षित हो और जितना मेहनत आपने 9 महीने किया है, जितना कष्ट सहा है, सारा फलीभूत हो जाए। Hope it helps you. Thanks for watching. Stay tuned.